अरे ओ राम नाम के दीवाने और बतलाई दे तेरो राम कहाँ। हिरण्यकश्यप ने हाथ में तलवार उठाई और प्रहलाद के ऊपर ऐसे चला करके बोला, बता तेरा राम कहां पे। जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतला वह धनी का जाम कहां, और राम नाम के दीवाने बतला दे तेरा राम कहां, कहां है तेरा राम। प्रहलाद आराम से पैर पे पैर चढ़ा के बैठ गए, बोले सुनो पिताजी। बोले प्रहलाद राम मेरा और व्यापक सारे संसार में है इस घम। सुनो पिताजी, तुझ में भी है मुझ में भी है, इस घम में है तलवार में है। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तेरा राम कहाँ पे, जल्दी बता, तो बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, तुझ में भी है मुझ में भी है, इस खंभ में है तलवार में है। अरे मेरा राम तो सर्व विदित है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मही जाना। अरे भगवान तो हर जगह, कौन सी ऐसी जगह नहीं, बस भाव होना चाहिए। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव ही एक सार है, और भाव से उनको पुष्प दो तो वो भी स्वीकार है। समझ गए। जो इतनी बात सुनी हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आया, तलवार उठाई और जो प्रहलाद के ऊपर मारना चाहा, तो आज उस खम्भ को फाड़ करके स्वयं जगदाधार परमपिता परमात्मा नरसिंह का रूप बना करके प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। और जैसे ही भगवान आए, एकदम से प्रहलाद कोने में जाकर के खड़े हो गए। हिरण्यकश्यप को उठा करके अपनी जंघा पर लिटा लिया। हिरण्यकश्यप मुस्कुराने लगा, अच्छा तो बात यहां तक पहुंच गई है प्रहलाद, तुमने अपने राम को भी बुला लिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम तुम्हें मार नहीं पाओगे, तुम मुझे मार नहीं सकते, समझ रहे नरसिंह भगवान। तो नरसिंह भगवान बोले, क्यों नहीं मार सकते, बोला ऐसे ही मार लोगे, मैंने वरदान पाया है कि ना अंदर मरे ना बाहर मरे, ना ऊपर मरे ना नीचे मरे, ना निस में मरे ना दिन में मरे, ना साल के 12 महीनों में मरे, ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, ना नर से मरे ना पशु से मरे, कैसे मार लोगे। और एक बात और ध्यान रखना विष्णु जी, ये मत सोचना अगर आज तुम मुझे मार भी दोगे, क्योंकि हम जानते तुम आए हो तो पूरी तैयारी से आए होगे, ऐसे तो आए नहीं होगे, लेकिन ध्यान रखना कि आज जीत तुम्हारी नहीं, जीत हमारी हुई है। तो विष्णु भगवान बोले, तेरी जीत कैसे हुई है, बोला कि सुनो हिरण्यकश्यप, देखिए बता रहे, जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पर भक्त और भगवान की पूरी चर्चा, पूरा सार यही आपको मिल जाएगा। हिरण्यकश्यप ने जवाब दिया कि सुनो भगवान, जब तक मैं जिया तब तक शान से जिया, सम्मान से जिया, अभिमान से जिया, और मैंने अपने जीते जी पूरी एरिच में, पूरी झांसी में किसी को तुम्हारा नाम नहीं लेने दिया, और जिसने तुम्हारा नाम लिया उठा करके या तो जेल में डाल दिया या तो जान से मार दिया। और सुनो, तुमको लोग पाने के लिए तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, तुम्हारी सेवा करते, पूजा करते हैं, हम तुम्हारा कब भजन की रहा है बताओ, तो कहे आगे हमारे तेरे बताओ। तुमको पाने के लिए लोग तरसते हैं, पर हमने तुमको कभी नहीं बुलाया, अब बुलाया नहीं तुम देखो बिना बुलाया आगे। और सुनो क्या बोला हिरण्यकश्यप, अरे मैं तो शान से जिया, अरे मैं तो शान से जिया, सम्मान से जिया, अभिमान से जिया, छुट गई मेरी कंट्री और स्वर्ग में होगी मेरी, स्वर्ग में होगी मेरी। अरे सुनिए भगवान, अरे हम
हमने सुना है कि तुम्हारे हाथों से जो मर जाता है उसे नरक नहीं मिलता, स्वर्ग मिलता है। और आज अगर हम तुम्हारे हाथों से मर जाएंगे तो ये हमारा सौभाग्य है। अब मरी तो कहाँ जाएगी, स्वर्ग में जाएगी, और स्वर्ग में भी मौज मस्ती करेंगे। तो यहाँ भी जिया तो शान से जिया, और यहाँ से जा रहा हूं तो शान से जा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे हाथों से मर के जा रहा हूं। और तुम्हारे हाथों से जो मर जाता है दीन बंधु, उसे नरक नहीं सीधा स्वर्ग मिलता है। तो बताओ, हम जीते लेकिन तुम जीते, भगवान का सही तो कहा थे। अरे मैं तो शान से जिया, सम्मान से जिया, अभिमान से जिया, हो छुट्टी गई, छुट्टी गई मेरी कंट्री, और स्वर्ग में होगी मेरी एंट्री, स्वर्ग में होगी मेरी एंट्री। इतना कहने के बाद में जवाब दिया है, सुन लिया भगवान, ध्यान रखना, मैं जीता था, जीता हूं और जीता रहूंगा, हार गए हो तुम, क्योंकि हमने सुना है जो भजन करते तुम वही के दरवाजे जाते हो, हम कब तुम्हारा भजन किन्ना है, बताओ क्यों आ गए तुम यहाँ, और तुम अब आ ही गए हो तो हमारी पूरी एरिच नगरी धन्य हो गई और हम भी धन्य हो गए, और यहाँ से मर के जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। और जब तक जिया शान से जिया, सम्मान से जिया, अभिमान से जिया, ना तुम्हारा नाम लिया और ना किसी को लेने दिया। अगर तुम्हारा मंदिर मिलेगा तो वह तोड़वा दीन, कहू मूर्ति मिल गई वह खरवा थकवा दीनी, कभी हमने तुम्हारा नाम ही लिया, तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया, लेकिन देखो गलत करे वाला स्वर्ग जा रहा है। यहाँ पर एक भाव उत्पन्न होता है, दोस्ती और दुश्मनी। अगर भगवान से दोस्ती करोगे तो भी भगवान मिलेंगे, दुश्मनी करोगे तो भी मिलेंगे, लेकिन एक शर्त है, कौन सी? अगर दोस्ती करो तो दिल से करो, दुश्मनी करो तो दिल से करो। अगर दोस्ती करते हो तो दुश्मनी का ख्याल मत लाना, अगर दुश्मनी करते हो तो दोस्ती का ख्याल मत लाना। दोनों में जान होनी चाहिए, दम होनी चाहिए। अब देखे हिरण्याकश्यप से बोला कि सुनो भगवान, मैं ऐसे नहीं मरूंगा। बोले कैसे नहीं मरी हो? बोले हमने वरदान मांगा था कि ना ऊपर मरे और ना नीचे मरे। भगवान बोले का आंधर हो का दिखाते नहीं का, देखो तुम हो कहां, बीच जांघ पर रखा भगवान ने। बोले ना ऊपर हो और ना नीचे हो, अब बताओ। बोला मैं फिर भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा था ना अंदर मरे ना बाहर मरे, भगवान ने बीच देहरी पे ले जाके रखा। बोले बताओ तुम अंदर हो कि बाहर हो? कहते आधे अंदर हो आधे बाहर हो, क्या करें, ये तो दोनों फंस रहे हैं। तुरंत बोला फिर भी नहीं मरेंगे। बोला हमने वरदान मांगा था कि ना नर से मरे ना पशु से मरे। भगवान भेड़ा जैसे मुंह बावे खा, देखो हम नर हन की पशु हन, कहे तुम्हारे जैसे आदमी तो हम दुनिया में देखे नहीं। हाँ। बोला हमने एक और वरदान मांगा था कि ना अस्त्र से मरे और ना शस्त्र से मरे। भगवान बोले टेंशन ना ले बउआ, पूरी तैयारी तेरे आए हैं, हम घबराओ ना। लंबे लंबे नाखून दिखाए भगवान ने, बोले देखो ये अस्त्र में यहाँ आवत है कि शस्त्र में यहाँ आवत है, लोहा के रहे कि प्लास्टिक क्या रहे, देखो नाखून। कहा अच्छा पूरी तैयारी ती आए हो? बोले और का? बोले हमने ये वरदान मांगा था कि ना दिन में मरे ना रात में मरे, तो संध्या का समय था। भगवान बोले देख लो दिन है कि रात ही है, का है बताओ। बोले बड़े होशियार हो। बोले हमने एक और वरदान मांगा था कि साल के 12 महीने में ना मरे। भगवान बोले घबराओ ना, तुम्हारे खातिर मारे खातिर अलग महीना बनावा है, लौंद का महीना अलग से महीना बनाया था भगवान ने। और तुरंत मलमास का जो महीना होता है, तुरंत भगवान ने क्या किया? तुरत हरि ने हाथ बढ़ायो और पापी को यमपुर पहुंचायो। भगवान ने जवाब दिया हिरण्याकश्यप, ये तुम्हारी भूल है कि तुम हमारे हाथों से मर के स्वर्ग जाओगे। ये सिस्टम हमने बंद कर दिया, सारी जिंदगी पाप करो और अब तुम यहाँ राम मिल जाए तो स्वर्ग तरी जाई हो? बिल्कुल नहीं तरी हो, पूरा हिसाब किताब हुई। ध्यान रखना, फौरन हरि ने हाथ बढ़ायो पापी को यमपुर पहुंचायो। भगवान विष्णु बोले हिरण्याकश्यप तैयार हो जाओ,
भगवान चाकू जैसे अपने लंबे लंबे नाखून निकाले बाहर धरन पेट पर फाड़ दिया पूरा पेट। अब फाड़ करके जितना मल मांस अंदर से निकला उसका भक्षण करने लगे भगवान। प्रहलाद सामने आ गए, रुक जाइए भगवान रुक जाइए, अब इतनी बुरी दुर्दशा मत करो मेरे पिता की। और हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया भगवान ने। बोलो अरे जय बोलो कुंवर कन्हैया की जय बोलो कुंवर कन्हैया की जय बोलो। जय बोलो दुष्ट मरैया की जय बोलो।